हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये आई मेकअप लुक, जो आप अपने मेहंदी फंक्शन पे या संगीत फंक्शन पे कर सकते हैं। आई रियली होप आपको ये लुक पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेस मेकअप से, और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिस ब्यूटी का कंसीलर। और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं कंसीलर से अपनी आईब्रोज को नीट कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी। सेम कंसीलर को मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी एज माय आई शेडो बेस। कंसीलर अप्लाई करने से जो भी आपकी आईज पे डिसकलरेशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब एक लाइट कलर के आई शेडो से मैं कंसीलर को सेट कर लूँगी। अब आई के कॉर्नर पर मैंने एक टेप अप्लाई कर ली है। मैं कलर स्टूडियो का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अब एक बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पैलेट में से मैं इस लाइट ऑरेंज कलर को अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई करूँगी एज अ ट्रांजिशन कलर, और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी यूजिंग साइड टू साइड मोशन। नेक्स्ट एक स्मॉलर फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पैलेट में से मैं इस शेड को अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी। फर्दर अपनी क्रीज लाइन को इंटेंसिफाई करने के लिए आप एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पैलेट में से इस लाइट ग्रीन शेड को मैं अपनी पूरी आईलिड पे अप्लाई करूंगी। ये शेड शिमर शेड के लिए एज अ बेस का काम करेगा। आप पैलेट में से इस ग्रीन शिमरी शेड को जहां पे मैंने लाइट ग्रीन शेड अप्लाई किया है उसके ऊपर शेड को मैं अप्लाई करूंगी। अब एक डेंस शेडर ब्रश की हेल्प से पैलेट में से इस डार्क ग्रीन शेड को मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूंगी। थोड़ा सा मैं इस कलर को ड्रैग करूंगी क्रीज लाइन की तरह। अब एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं अपनी क्रीज लाइन पे सारे शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब ब्लेंडिंग की वजह से जो आईलिड पे मैंने शिमर शेड लगाया था वो थोड़ा सा फेड हो गया है, तो मैं उसको रीअप्लाई कर रही हूँ। अब इस पिंक शिमरी शेड से मैं अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूंगी। अब आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ इन कलर का जेल आईलाइनर। इसकी हेल्प से मैं अपनी आईज पे एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। आपको स्लोली स्लोली अपने विंग को ड्रॉ करना है। काजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा की काजल, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईज पे काजल अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं सेम लाइट ग्रीन शेड से अपनी लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट कर रही हूँ। एंड सेम डार्क ग्रीन शेड से मैं अपनी लोअर लैश लाइन को फर्दर स्मोक आउट करूंगी। नेक्स्ट ग्रीन शिमरी शेड को मैं अपनी लोअर लैश लाइन के इनर पार्ट से लेकर मिड पार्ट तक अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मस्कारा के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। इसकी हेल्प से मैं अपनी अपर एंड लोअर लैशेस को अच्छे से कोट कर लूंगी। दिस इज माई फाइनल लुक। अगर आपको ये लुक पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।